नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार सरदाना, आपके जीवन के अगले 5 मिनट का हम सफर। साथियों, आज हम बात करेंगे आपके गोल सेटिंग की कि जिंदगी में आप क्या बनना चाहते हैं, कब बनना चाहते हैं, कितनी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो क्या बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में क्या करना है, किन ऊंचाइयों तक जाना है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो कितने ऊंचे तक पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। साथियों, सब चीजें आपको तय करनी पड़ती हैं, इसी को बोलते हैं गोल सेटिंग। पर जैसे हर चीज का नियम होता है साथियों, गोल सेटिंग का भी नियम है। पर इस नियम को हम 5 भागों में बांट सकते हैं और वो भाग ऐसे ही स्मार्ट है साथियों जैसे आप सब स्मार्ट हैं। स्मार्ट यानी कि SMART, एस यानी कि स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रिलेवेंट एंड टी टाइम बाउंड। इसको साथियों एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है स्पेसिफिक, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको करना क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप चाहते हैं कि मैं बहुत पढ़ाई में तरक्की करूं, ठीक है, पर आप पढ़ाई में क्या करना चाहते हैं। आप अच्छे से चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं अपना वेट रिड्यूस करूं, ठीक है, तो आपका गोल हो गया वेट रिड्यूस करना, आपका गोल हो गया पढ़ाई के आगे आके उसमें तरक्की करना। आपकी सेल्स भी हो सकती है, तो एक चीज हम कोई सी भी लेके चलते हैं, स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ये गोल ऐसा नहीं हो कि जो मेरा दोस्त कर रहा है मैं भी वही करूं, मेरे पड़ोसी ने कहा मैं भी वही करूं, मेरे बड़े कह रहे हैं इसलिए मैं वह करूं। नहीं साथियों, आपका उसमें पैशन होना चाहिए, आपके वो मनपसंद चीज होनी चाहिए जिसमें आप जूझ जाएं, वो गोल स्पेसिफिक होएगा आपका। उसके बाद स्पेसिफिक गोल तो बनानी है, बट इट शुड बी मेजरेबल, उसको आप मेजर कर सके। जैसे कि मेरे को बहुत सी पढ़ाई करनी है साथियों, कितनी, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपको वेट लॉस करना है, कितना, 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, इट शुड बी मेजरेबल। आपको सेल बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, इट शुड बी मेजरेबल साथियों। फिर तीसरा पॉइंट हम लेंगे अचीवेबल। आपने गोल तो सेट कर लिया, आपने देख लिया स्पेसिफिक गोल है, आप उसको मेजर भी कर रहे हैं, क्या वो अचीवेबल है, ये भी देखना जरूरी है। सेहत का एग्जांपल फिर से लेते हैं, आपने सोचा कि मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, पर ऑलरेडी आपका 40 किलो वजन है साथियों, अचीवेबल नहीं है। आपका ऑलरेडी 70 किलो वजन है, आपको मैं 40 किलो कम करूं, अचीवेबल साथियों नहीं है। आज आपकी सेल साथियों 5 करोड़ है, आपको मैं अपनी सेल 100 करोड़ कर लूंगा, साथियों अचीवेबल नहीं है। तो जो भी आप गोल सेट करें वो अचीवेबल होना चाहिए, आप उसको अचीव कर सकें अपनी क्षमताओं के अनुसार। ऐसा नहीं है कि 100 करोड़, 1000 करोड़ अचीव नहीं होती है सेल, पर क्या है कि हर कंपनी की एक क्षमता होती है, आप अपनी क्षमता आंकिए, कंपनी की क्षमता आंकिए, उस हिसाब से अपने गोल सेट करिए। चौथी, रिलेवेंट। रिलेवेंट क्या हुआ कि वो जो आप गोल सेट कर रहे हैं वो आपके लिए रिलेवेंट क्यों है। आप सोच रहे हैं क्योंकि मेरा दोस्त आईएएस की तैयारी कर रहा है, मैं भी आईएएस की तैयारी करूं, क्योंकि मेरा दोस्त मेडिकल में जाना चाह रहा है मैं भी मेडिकल में जाऊं, क्योंकि मेरे दोस्त ने आर्मी को ऑप्ट किया है मैं भी आर्मी को ऑप्ट करूं, क्योंकि मेरे दोस्त ने उसने टारगेट बना लिया है कि वो 100 करोड़ की अपनी सेल बढ़ाएगा, तो आपने भी सोच लिया मैं 100 करोड़ की सेल बढ़ाऊं, जबकि आज की सेल साथियों 2 करोड़ है। तो रिलेवेंट वो आपके लिए, जो भी आप गोल बना ले रिलेवेंट क्यों है, पैशन भी आपका उसमें है, उसमें आपकी नॉलेज भी है, आप उसमें जाना चाहते हैं, वो आपके लिए रिलेवेंट होना चाहिए। और उसके बाद साथियों लास्ट है टाइम बाउंड, आपका गोल जो है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। मैं अपना वजन 20 किलो कम करना चाहता हूं, तो स्पेसिफिक भी हो गया, मेजरेबल भी हो गया, अचीवेबल भी हो गया, रिलेवेंट भी हो गया, पर टाइम बाउंड कितने समय में, 1 महीने में नहीं हो पाएगा, 6 महीने में जी संभव है। मैं अपनी सेल 20 करोड़ बनाना चाहता हूं, आज मेरी सेल 100 करोड़ है, 20 करोड़ बनाना चाहता हूं, कितने टाइम में, 1 साल में संभव है, 1 महीने में असंभव है। तो जो हम करेंगे रिलेवेंट टू टाइम बाउंड को मिला के अपना गोल सेट करेंगे, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अदृश्य को दृश्य में बदलना ही साथियों गोल सेटिंग है। और किसी ने कहा भी है कि जिस लक्ष्य को आप देख नहीं सकते साथियों उसको भेद कैसे सकते हैं। तो अपना जो गोल सेट करें इन 5 मापदंड को सेट करते हुए करें कि इट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड।
इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम प्लानिंग के हिस्से में देखेंगे। प्लानिंग के लिए साथियों मेरा जो अगला वीडियो आएगा हम उस पर बात करेंगे। आज का हमारा यहीं पर ही गोल सेटिंग का, कि गोल सेट करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।